और ये भोग के लिए बिल्कुल मेरी एक थाली बनकर रेडी हो जाएगी और ये देखने में बहुत ही सुंदर है। जब भी मैं कोई भी पूजा का या अपने ग्रॉसरी का शॉपिंग करने जाती हूँ या परचेस करने जाती हूँ तो उससे पहले मैं उन चीज़ों को देख लेती हूँ कि मुझे क्या चीज़ चाहिए और क्या चीज़ नहीं चाहिए। तो इसे इस तरीके से मैं सारी चीज़ों को पहले चेक कर रही हूँ कि मुझे पूजा के सामान में क्या क्या सामान चाहिए, तो और सारे सामान को मैं इस तरीके के बास्केट में ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ जिससे वो काफ़ी अच्छे से पड़ा रहता है और देखने में भी ठीक लगता है और ऐसे आइडिया भी मिलती है कि मेरे पास क्या है और क्या चीज़ नहीं है। तो मैंने इस तरीके के बास्केट में सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है, चाहे वो कान्हा जी के ड्रेस हों, चाहे कान्हा जी के सिंगार के हों, चाहे माता रानी की चुनरी हो। और जब भी मैं माता रानी की चुनरी या मंदिर को डेकोर करती हूँ तो वो एक ही कलर के कपड़ों से करती हूँ और वो मैं थान के कपड़े मार्केट से ले आती हूँ और उसी को कट कर उसे स्टिच कर लेती हूँ। नमस्ते फ्रेंड्स, तो आज जो मैं वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ वो है नवरात्रि शॉपिंग हॉल। मैं जो जो नवरात्र के लिए जो जो सामानें ली हूँ वो आज आपसे मैं आज शेयर करूँगी। तो नवरात्र में 9 दिन हम माता रानी को स्थापित करते हैं, उन्हें अपने घर में कहते हैं, आमंत्रित करते हैं कि आप मेरे घर में आइए और विराजमान होइए। तो इसलिए उनके स्वागत के लिए हम लोग ढेर सारी तैयारियां करते हैं और ये तैयारी काफ़ी लंबे से चलती रहती है। धीरे 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 अपनी चीज़ों को अरेंज करते हैं, परचेज करते हैं और देखते हैं ये अच्छा लगेगा माता रानी के लिए, वो अच्छा लगेगा, भोग के लिए क्या क्या चीज़ें लेते हैं। तो इस तरीके से मैं माता रानी को सब चीज़ अरेंज करके उन्हें स्थापित करती हूँ। तो जो सबसे पहले मैंने जो चीज़ ली है वो है माता रानी के ड्रेस को, उनको जो मैं इस नवरात्र जो उन्हें ड्रेस पहनाऊंगी वो है इस तरीके का कपड़ा। ये देखिए, ये पिंक कलर का है। इस बार मैं सारे ड्रेस को पिंक कलर से ही, अपने मंदिर को और माता रानी को पिंक कलर से ही पूरा रेडी करूंगी। ये बिल्कुल वेलवेट का कपड़ा है, बिल्कुल ही स्मूथ कपड़ा है ये और बिल्कुल साइन करता हुआ है। इसे मैं मंदिर के को डेकोर करने में इस कपड़े को यूज करूंगी। ये मैं बैक साइड इसको लगाऊंगी और एक ये वाला पीस मैं इसको नीचे मंदिर में इसे बिछाऊंगी। ये मैंने थान के मीटर से ले लिया था, थान के हिसाब से ले लिया था और इसे कट कर मैंने घर में ही स्टिच कर लिया है और इसको बैक साइड में और नीचे साइड में मैं इस कपड़ों से अपने मंदिर को सजाऊंगी। और माता रानी के लिए मैंने इसी कलर का एक चुनर लिया है इस तरीके से। ये देखिए, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। जब इन्हें मैं लगाऊंगी तो माता रानी बहुत ही सुंदर लगेंगी पिंक पिंक कपड़ों में। मंदिर को हमेशा ब्राइट कलर में ही अरेंज करती हैं जिससे कि बहुत ही सुंदर लगता है। मंदिर, माता रानी, ये सब बहुत ही सुंदर लगती हैं ब्राइट कपड़ों में। तो इस तरीके से मैंने उनके लिए एक चुनर लिया है और मंदिर को डेकोर करने के लिए ये वेलवेट का कपड़ा लिया है। और इसी के साथ में जो मेरे दूसरे भगवान जी रखे हैं, दूसरे देवी देवताएं हैं, उनके लिए भी मैंने पिंक कलर का इस तरीके का ड्रेस लिया है या इस तरीके की चुनर ली हुई है। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। इसके साइड में लेस ये जो लगा है वो देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं इसमें से 2 पीस ली हूँ क्योंकि इस बार मंदिर को मैं पिंक कलर से डेकोर करूंगी, तो इसलिए सारी चीजें मैं पिंक कलर की ही लेके आई हूँ। उसी के साथ में जो माता रानी को मैं ड्रेस पहनाऊंगी इस बार वो इस तरीके का लहंगा है, इसमें इस तरीके का दुपट्टा है। देखने में ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये भी पिंक कलर का है और देखने में भी अच्छा लग रहा है और जब माता रानी इसे पहनेंगी तो वो भी देखने में बहुत सुंदर लगेंगी मेरी। तो इस तरीके से मैं पास से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर देखने में ड्रेस भी लग रहा है और इसी को पहनाने के बाद उनके सिंगार के लिए मैंने इस तरीके की माला ली है। सेम ये उसी कलर का है और इसमें व्हाइट मोती से बनी हुई है और पिंक कलर की इसमें छोटे छोटे से मोती लगी हुई है, तो ये भी इस कपड़े के साथ बहुत ही अच्छा जाएगा। तो ये रहा मेरे माता रानी के लिए वस्त्र। और इसी के साथ साथ जब हम इनको रेडी कर लेंगे तो उनको तो उसके पूजा के लिए जो जो चीजें चाहिए वो भी मैं परचेज करके ले आई हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले उनको भोग में लगाने के लिए इस तरीके का प्लेट ली हूँ, पीतल का। ये देखिए, इस तरीके का मैंने प्लेट लिया है और इसी तरीके की मैंने 2 कटोरियां ली हैं। ये देखिए, मैं हमेशा सोचती हूँ कोई फेस्टिवल हो तो मैं कुछ ना कुछ पीतल की जरूर सामान लूँ, छोटी ही लूँ लेकिन लूँ, थोड़ी छोटी सोचती हूँ ये सब चीज़ों के लिए। तो इसके लिए मैंने ये पीतल की 2 कटोरियां ली हैं। पिछले होली मैंने 2 कटोरी ली थी, ये
इस तरीके की, इस बार दो और ले ली। तो धीरे धीरे करके मैं अपने कलेक्शन को इकट्ठा कर रही हूँ और ये भोग के लिए बिल्कुल मेरी एक थाली बनकर रेडी हो जाएगी। देखिए मैं सिंगार का सामान लेके आई हूँ, ये इस तरीके का सिंगार का सामान है, किसे हम यूज भी कर सकते हैं। तो ये एक लेके आई हूँ और हवन सामग्री, इसको हवन सामग्री का भी ये पैकेट है और इसको मैं अभी रेडी करूंगी। इसमें मैं सब चीजें मिक्स करूंगी, गुड़, जौ, पांच तरह की अनाज और घी, ये सब कुछ चीजें मिक्स करके, गूगल और लोहबान, ये सब मिक्स करके इनका मैं एक धुनी धुनी बनाऊंगी, जिसको मैं नवरात्रों में सुबह शाम दोनों टाइम अपने घर में करती हूँ, जिससे कि घर बिल्कुल अच्छा सा, मतलब जैसे लगता है कि मतलब खुद देवी माँ आ गई है घर में, ऐसा माहौल पूरा 9 दिन का बना रहता है। और उसी के साथ मैं ये आम की लकड़ियाँ भी लेके आई हूँ, ये देखिए आम की लकड़ियाँ लेके आती हूँ। ये मंदिर के शॉप पे आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, जो लकड़ी वैसे मिलती है खुले में उसको ना लें, क्योंकि उसमें कीड़े उड़े पड़े होते हैं तो वो अच्छा नहीं होता उसको जलाने के लिए। ये काफ़ी अच्छे रेट में, ये शायद 30 रुपए में आपको काफ़ी अच्छा 1 kg का पैकेट ये मंदिर की शॉप पे मिल जाएंगी है। और इस तरीके से मैंने बाती ली है, ये छोटे छोटे वाले आरती करने के लिए, और मैं अखंड ज्योत जलाती हूँ उस बाती ली हुई हूँ, इस तरीके का बाती है ये। ये मैंने इस तरीके व्हाइट वाला भी ली हुई और रेड वाला भी ली हुई हूँ, और ये छोटे छोटे पैकेट ली हूँ लोहबान का। और इसी के साथ साथ मैं जो अखंड ज्योत जलाती हूँ उसके लिए मैंने तिल का तेल लिया हुआ है, ये 1 लीटर का, और मैं देसी घी का भी जो जलाती हूँ और उसके लिए भी 1 लीटर का मैंने देसी घी भी लिया है। ये सब चीजें तो पूजा में आपको जरूरी ही है, डेली आप 9 दिन की पूजा करेंगे तो ये सब चीजें तो आपकी लगनी ही लगनी है, तो ये सब तो जरूरी ही होता है। और इस तरीके के धूप का अगरबत्ती का मैं यूज करती हूँ, ये ड्राई धूप अगरबत्ती है, ये बहुत ही अच्छा होता है, काफी लंबे टाइम तक ये जलता रहता है, और जो इसकी राख जलने के बाद जो राख होती है वो आपके प्लेट में ही गिरती है, न कि थाली में पूरे इधर उधर गिरती है। तो इस तरीके का मैंने 400 ग्राम का ये धूप अगरबत्ती ले ली हूँ। और इन सब के साथ जो और चीजें मैं लेके आई हूँ जो 9 दिन नवरात्रों में जरूरी होता है, वो है ये इस तरीके का बर्तन जिसमें हम जौ लगाते हैं, ये इस तरीके का मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें हम जौ को इसमें लगाते हैं, और इस तरीके के कलश को हम बीच में इसमें रखते हैं, और इस पे हम नारियल और आम के पत्तों से इसमें अपने जौ को स्थापित करते हैं। और उसी के साथ वही जो जो चीजें लगती हैं पूजा में आपको तो पता ही है, नारियल, रक्षा, और ये चुनरी, इस तरीके का नारियल पे लगाने के लिए इस तरीके की चुनरी, तो ये सब लेके आई हूँ। और जो आज का सबसे सुंदर चीज मैं आज नवदुर्गों में लाई हूँ वो है ये, आपको मैं दिखाती, बहुत ही सुंदर चीज लेके आई हूँ, ये वो है ये देखिए, इतना प्यारा पीस इस बार मैं अपने नवदुर्गों में लाई हूँ कि मुझे इतनी खुशी है, मैं बार बार इसे देख रही हूँ और एक छोटी सी स्माइल मेरे फेस पे बनी रह रही है, क्योंकि ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये बहुत ही सुंदर। मैं सोची थी कि इसको लूंगी, लेकिन जब कभी मथुरा जाऊंगी तब इसे लूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखता नहीं था, लेकिन उस शॉप पे मुझे आज गई तो मुझे दिखा, और ये देखने में बहुत ही सुंदर है, तो मैंने इसे परचेज किया। थोड़ा कॉस्टली था, लेकिन एक होता है ना चित मन, तो वो चीज आ ही जाती है जब आप चित लगाते हो और मन लगाते हो। तो ये मैंने एक छतर लिया है इस तरीके का, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही भारी है ये, और इसका डिजाइन बहुत ही सुंदर है, ये पीतल का बना हुआ है, ये मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये मुझे बहुत पसंद आया, अगर आपको भी पसंद आया हो तो मेरे वीडियो पे एक लाइक जरूर करिएगा, इस छतर के लिए एक जरूर लाइक करिएगा मेरे वीडियो के लिए। तो ये रहा मेरी माता रानी को स्थापित करने के लिए, उनके 9 दिन उनके स्वागत के लिए ये सब तैयारियां मैंने कर ली हैं, और अब मैं मंदिर को क्लीन करूंगी और मंदिर अपना डेकोर करूंगी, उनका मंडप लगाऊंगी, जिसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आपको ये अभी हॉल मेरा शॉपिंग हॉल अच्छा लग रहा हो, तो अगर आपको इससे कुछ आइडिया मिल रहा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने मंदिर के नवरात्र को स्टार्ट करने के दूसरे वीडियो के साथ, तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।